हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रिक विद निशु। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट है वो मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि जो म्यूजियोलॉजी होती है वो क्या होती है और कैसे कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं, जो शॉर्ट वीडियो जो आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको एक साथ इन डिटेल्स में आपको बताऊं कि म्यूजियोलॉजी कोर्सेस क्या होती है, कैसे करें, इसकी फी ड्यूरेशंस, इसका क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो देखो गाइस, म्यूजियोलॉजी कोर्सेस, ठीक है, आप म्यूजियोलॉजी कोर्सेस से ही समझ रहे हैं। तो क्या आपको जैसे पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, उसको देखना, उसको परखना क्या अच्छा लगता है, या म्यूजियम में आपको रहना और जैसे पुरानी सभ्यता की चीज़ें हैं उसको देखना, उसको अध्ययन करना अच्छा लगता है? तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप म्यूजियोलॉजी की कोर्सेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी कोर्सेस होती है। तो बात कर लेते हैं गाइस कि म्यूजियोलॉजी कोर्सेस क्या होती है। तो म्यूजियोलॉजी कोर्सेस का मतलब है गाइस कि जैसे पुरानी सभ्यता की चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उस वक्त की बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो हाल फिलहाल में इसको सर्च किया जाता है, ठीक है, इसका खनन किया जाता है और जो भी वस्तु मिलती है उसको म्यूजियम में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप म्यूजियोलॉजी की कोर्सेस करते हैं गाइस, तो आपको म्यूजियम में आपको वर्क करने का मौका दिया जाता है। वहाँ पे उस चीज़ों का, उस वस्तुओं का देखभाल करना, उसका अध्ययन करने के लिए आपको वहाँ पे रखा जाता है। तो म्यूजियम में बहुत अच्छा वर्किंग करना लगता है गाइस, क्योंकि वहाँ पे आपको पुरानी सभ्यता की जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कोई चीज़ें मिलती है खनन करने के बाद, तो उसको क्या किया जाता है, म्यूजियम में रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसका आप अध्ययन कर सके, उसको पूरी जानकारी इन डिटेल्स मिले, ठीक है। तो इस पर आपका वर्क किया जाता है। अगर आप म्यूजियोलॉजी कोर्सेस करते हैं तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो म्यूजियोलॉजी कोर्सेज जो है गाइस, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बैचलर डिग्री के बाद आप कर सकते हैं, प्लस मास्टर डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। तो आप ये कोर्स अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, बैचलर और मास्टर डिग्री कोर्सेस करने के बाद अगर आप करते हैं तो। और मैं आपको परसेंटेज की बात करूँ गाइस, तो 12th में और ग्रेजुएशन में आपकी अच्छी परसेंटेज होना चाहिए, तो आप म्यूजियोलॉजी कोर्सेज कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया कि आप जो म्यूजियोलॉजी कोर्सेज कैसी होती है, आप कैसे कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, थैंक यू।